प्रकार की जय हो। जय बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सज्जनों, एक मकान मालिक ने क्या किया, अपना मकान जो है किराए पे दे दिया और मकान में कई एक किराएदार आकर के रहने लगे। लेकिन भैया, उस मकान में कुछ किराएदार ऐसे भी हैं, तो शाम को वो लोग मीटिंग किए, यदि मकान मालिक किराया मांगेगा तो क्या करें। तो बोले, ऐसा करते हैं, मकान मालिक की पिटाई कर दीजिए। अच्छा, ये किराएदार दरअसल में थे तो काफी, लेकिन ये पांच किराएदार ऐसे थे, ये बड़े चोर उचक्के थे। अब मकान मालिक को किसी प्रकार भनक लग गई कि ये किराएदार तो बहुत बेकार आ गए हमारे मकान में, किराया मांग रहे हैं, तब ये लोग हमारी पिटाई करेंगे। और यदि हम कहेंगे मकान खाली करो, तब भी पिटाई करेंगे। और याद रखना, खतरनाक लोगों की दोस्ती और दुश्मनी, ये दोनों खतरनाक होती हैं। अब मकान मालिक बड़ा चक्कर में पड़ा, करें तो क्या करें। एक दिन इसको एक उपाय सूझा, नए नए कोतवाल साहब आए हैं, तो मकान मालिक सीधे कोतवाल साहब के पास गया और कहता है, साहब हमारा बहुत बड़ा मकान है, अब आपसे कोई प्रकार का किराया नहीं लेंगे, बल्कि आपकी खूब सेवा करेंगे, चाहो तो साहब हमारे मकान में चल करके रहो फ्री। तो कोतवाल साहब ने सोचा, जब फोकट में रहना है, किराया भी नहीं लेगा, इतना अच्छे मन से बेचारा कह रहा है। कोतवाल साहब कहने लगे, ठीक है, मैं आऊंगा आपके मकान में रहूंगा। और अगले दिन जैसे कोतवाल साहब पहुंचे उस मकान में ना, तो ये जो पांच किराएदार थे चोर उचक्के, तो इन्होंने सोचा कि भैया हो, अब जब इस मकान में कोतवाल साहब स्वयं आ गए हैं, तो मकान मालिक को तो कतई हम लोग आंख दिखा भी नहीं सकते, और जो इधर उधर की चोरी चपारी करते भी थे, हमें लगता है वो भी गड़बड़ है, क्या किया जाए। कहा, मकान मालिक को बगैर बताए इसका सीधे मकाने खाली कर दो। मकान मालिक को ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ी और ये पांचों चोर उचक्के मकान के बाहर निकल गए। ये मकान कोई और नहीं है, ये मकान है कौन, उस कुदरत का बनाया हुआ ये अपना मकान, ये मानव शरीर। हाँ, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, और इस हवेली में, इस मकान में है तो काफी किराएदार, मगर भैया कुछ किराएदार ऐसे हैं, कुछ किराएदार ऐसे हैं जो मकान मालिक का अहित सोचते हैं। और ये कौन किराएदार हैं? ये पांच लोग हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांच ऐसे किराएदार हैं, ये मालिक का हित नहीं सोचते। अब ये जल्दी तुम्हारा मकान भी खाली नहीं करेंगे जब तलक कोतवाल साहब का आगमन नहीं होगा। और कोतवाल है कौन? जिसको कहते हैं गुरु। जीवन में यदि सच्चा सुख पाना है ना, तो भक्ति अपने अंदर ले आओ, और भक्ति की दया जब होगी, जब उसके लड़कों से हमारा संपर्क होगा। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान से संपर्क कराने वाला केवल गुरु है। गुरु संपर्क कराता है ज्ञान से, ज्ञान वैराग्य से संपर्क होने पर भक्ति आई, और जब भक्ति आई तो भगवान कहां जाएंगे, वो तो कृपा करेंगे ही करेंगे। एक भाव आया है,
कि जिंदगी एक किराए का घर है। ये मकान जो मैंने बताया या कोई और नहीं, दूसरी जगह नहीं, ये अपने मकान है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। हो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी को किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी को किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और भैया ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये कौन सा महबूब? वो महबूब जो कि हमें आत्मा परमात्मा के बाबत में कुछ बता सके। ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। काहे के यदि जवानी तेरी ढल गई तो, यदि जवानी तेरी ढल गई तो हाथ बल बल के रोना पड़ेगा। देखिए यदि किसी ने कहा भजन करो भजन, तो कहते हैं अभी भजन करने का समय कहाँ है, भजन बुढ़ापा पे करेंगे। और बुढ़ापा पे दांत होते नहीं हैं, कहते हैं राम मुंह से निकलता है फाम, है ना। यदि जवानी तेरी ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। और सुनो, कहते हैं कि जिंदगी के जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार जिंदगी सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, जीना है तो मरना है। जो लोग अपने जीवन में पहले कष्ट उठाते हैं, यानी गरीबी खूब झेले, उसके बाद में अमीरी में प्रवेश किए, तो उनको पता होता है गरीबों का दर्द। जो लोग शुरुआत में कष्ट उठाते हैं, बाद में सुख का अनुभव करते हैं। और जो शुरुआत में सुख लेते हैं,
लास्ट में भैया वही रोते हैं। क्यों? बड़ी बड़ी फैक्ट्री में देखो, एक बाबूजी कंप्यूटर पर बैठे हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, और एक भाई साहब फटे कपड़ा पहन के बाहर का गन्ना डोंगा में डाल देते हैं। मेहनत ज्यादा है, सैलरी बहुत कम। कारण क्या है? ये जो आज बाबूजी बने हैं ना, ये शुरुआत में कष्ट उठा चुके हैं। भूखे प्यासे जाते थे स्कूल पढ़ने, और ये जो आज मेहनत कर रहे ज्यादा पैसा कम, ये शुरुआत में सुख ले चुके हैं। पापा कहते थे स्कूल जाओ, भैया गुल्ली डंडा खेलने निकल जाते थे। तो शुरुआत में सुख लिए हो तो लास्ट में तो दुख उठाओगे ही। इसलिए कहते हैं ये जीवन जो शुरुआत में हमें सुख मिला है तो आखिर में दुख, और शुरुआत में दुख है तो आखिर में कष्ट है। कैसे? याद रखिएगा, समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। और ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। यदि जवानी तेरी ढल गई तो, हाँ यदि जवानी तेरी ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। अब आइए सुख और दुख। शाम के बाद होता सवेरा, फिर निकलता कहीं दिन सुनहरा, हो शाम के बाद होता सवेरा, फिर निकलता कहीं दिन सुनहरा, फिर निकलता कहीं दिन सुनहरा। और पांव फूलों पे रखने से पहले, गुरुजी राम जी गुरुजी, पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चले पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और अंतिम भाव में अमीर गरीब जाति पाति ऊंच नीच उस मालिक की अदालत में कुछ भी नहीं है। मंजिल सबकी एक है, रास्ते भले ही अनेक हैं। कैसे? कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, यही है बाद मरने के होता यही है, बाद मरने के होता यही है। क्या? और या तो तुर्बत जमीन पर बनेगी, या तो तुर्बत जमीन पर बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा।
या तो तुरबत जमीन पर बनेगी, याचिकाओं में जलना पड़ेगा, याचिकाओं में जलना पड़ेगा, याचिकाओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आगा हो अपनी मौत का कोई बसर नहीं, और सामान सौ बरस का लेकिन पल की खबर नहीं। जिंदगी को किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी को किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो।